जिनेडिन जीडेन ये एक ऐसा नाम था जो मेरे लिए वॉज जस्ट एन अदर फुटबॉलिंग लेजेंड यू नो जिसके बारे में हमने सुना होता है कि हाँ भाई बढ़िया प्लेयर था फुटबॉलिंग लेजेंड्स में से एक है यू नो जस्ट एन अदर फुटबॉलिंग लेजेंड बट फिर मैंने एक दिन एक कोर्ट पढ़ा था मैसी का जिसमें ही सेट कि उसने अपनी पूरी लाइफ में मतलब वो ज्यादातर किसी से जाकर जर्सी नहीं मांगते लेकिन उसकी पूरी लाइफ में सिर्फ एक प्लेयर से जर्सी मांगी थी आफ्टर अ गेम एंड देट वॉज जिडेन ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई अगर मेसी मतलब यू नो गाइस कि आई एम अ वेरी बिग मेसी फैन तो अगर मेसी किसी के पास जाके कह रहा है कि मुझे लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही जैसी मांगे इज इन तो कितना महान प्लेयर होगा वो बट देन आई रेड यू नो रेड्रामोविक का एक कोट जिसमें ही सेज कि जेलेटन एक ऐसा प्लेयर था जो फील्ड पर चढ़ते ही बाकी अपने दस टीमेट्स को बहुत बढ़िया बना देता था दे यूज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ दम और लेट मी रिमाइंड यू कि ज़ेलेटन ने ना अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ चार प्लेयर्स की तारीफ करी है ब्राजीलियन रोनाल्डो मेसी इब्राहमोविच हाँ यानी वो खुद और और भाई जिडेन जिडेन तो यू hmm. नो you know भाई अगर चारों ही महान प्लेयर बिल्कुल तो अगर वो किसी प्लेयर की तारीफ कर रहा है अपने अलावा दैट मीन दैट प्लेयर हैज समथिंग स्पेशल तो उसी के चुल में आई रेड अ लॉट अबाउट मैंने पढ़ा उसके बारे में एंड देन ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं तो गाइज वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज ऑन माई चैनल हाउ गुड वॉस जहां पे हम टाइम में पीछे जाके कुछ बड़े प्लेयर्स आपके कुछ बड़े प्लेयर्स उनके कुछ वर्जन और कुछ बड़ी टीम्स के ऊपर बात करेंगे कि वॉट मेड देम स्पेशल और क्यों वो इतने महान थे ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है अबाउट जिडेन क्योंकि मतलब मैंने जो तीन चार प्लेयर शॉर्टलिस्ट करे थे उनमें से मुझे खुद पर्सनली जिडेन सबसे ज्यादा पसंद आया था और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ डू मेक श्योर आप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है एंड मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं ऐसे और पार्ट्स बना पाऊं एंड ऑल्सो अगर आपको किसी और प्लेयर का चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट प्लेयर कौन सा करूं एंड इसी के साथ हम शुरू करते हैं आर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाउ गुड वॉज द दे ड अब किसी भी प्लेयर के बारे में ये जानने के लिए कि वो कितना महान था हम लोगों को कुछ चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका करियर यू you नो know, क्या क्या अचीव करा क्या इम्पैक्ट था उसका टीम्स के ऊपर देन उसका टैलेंट उसका मतलब टैलेंटेड भाई क्या प्लस पॉइंट थे उसके स्किल वाइज मैंटेलिटी वाइज थिंकिंग वाइज एंड एट लास्ट कि भाई कंक्लूजन करियर एंड किस बेसिस पे करियर एंड करा उस प्लेयर ने तो इन सब चीज़ों को अगर हम राउंड अप करके शुरुआत करते हैं उसके करियर से ज़िडेन इस करियर इन फ्रांस जो आपको पता होगा ही प्लेड फॉर टू क्लब्स केन्स और बोर्डो ये दो ऐसे क्लब थे जहां पे जिडेन ने अपना करियर की शुरुआत की थी एंड मुझे यहाँ पे जो जिडेन का टाइम था उसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा कुछ डिस्कस करने को था ही नहीं सिवाय एक चीज थे कि जिडेन बहुत बदनाम था जिडेन वॉज इम फेमस एज हे क्यों अपने टेम्पर की वजह से जी हाँ हाँ मुझे पता है ये चीज आपको बहुत लोगों को चेक करी होगी करियर एंड पे हम फिर से इस चीज़ का मेंशन करेंगे करियर के बीच में भी एक चीज का मेंशन करेंगे बट करियर की शुरुआत में ही दे जिडैन भाई बदनाम हो गया था अपने टेम्पर की वजह से जिसके बाद लेकिन सबको पता था भाई ही वॉज अ वेरी स्किलफुल प्लेयर काफी ज्यादा वो था जिसकी बात हम डिटेल में बात करेंगे जब हम उसके स्किल्स और उसके टैलेंट के बारे में बात करेंगे लेकिन तुम बस ये सोच लो कि भाई ही उसका बॉल कंट्रोल और उसकी जो स्किल्स थी दे वर वेरी सुपीरियर उस टाइम के हिसाब से प्रॉब्लली द बेस्ट इन द वर्ल्ड तो इन 1996 यूवेंटस के एक स्काउट ने बोर्ड को भाई सजेस्ट करा कि तुम लोग जिडेन को साइन करो तब जिडेन 24 फोर ईयर्स का था लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया था भाई फर्स्ट टाइम पे क्योंकि जिडेन भाई तुम जिडेन की अगर फोटो देखोगे यहां पे भाई लट जैसा दिखता है इंसान ही वॉज अ वेरी टॉल गाय एक्सट्रीमली थिन और भाई सीरिया के अंदर तुम लोगों को पता है भाई टफनेस स्टार्टिंग से रहती आई है तो इट इज लाइक यहाँ जिडेन यहां नहीं टिक पाएगा बट जब भाई स्काउट ने उन्हें कन्विंस करा कि यार समझो इस बंदे का बॉल कंट्रोल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई है और तो एक चांस देके देखो तो इनिशियली काफ़ी हेजिटेंस दिखाई थी लेकिन एट दी एंड जिडेन दे को साइन कर लिया गया और इस टाइम में मैं तुम्हें अगर युवेंटस की थोड़ी लाइक स्टेटस बताने की कोशिश करूँ तो वो लोग पिछले दस साल में सिर्फ एक लीग टाइटल जीते थे

तो तुम लोग सोच सकते हो कि अपने एक ब, बड़े लेवल के ऊपर सिर्फ दूसरे साल के अंदर जिडेन वॉज ऑन द बैलन पोडियम ठीक है वो जीत नहीं पाया बट थर्ड था कितनी बड़ी बात है भाई इंपैक्ट देख लो सिर्फ दो साल के अंदर एंड उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी 1998 के अंदर जिडेन विद यू नो फ्रांस की टीम वो टीम का हार्ट था सेंटर था ही वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप ही नहीं उसके बाद जिडेन को बैलेंडोर भी मिला क्योंकि उस टीम का बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था तो तुम लोग सिर्फ दो साल के अंदर लाइक तीन साल के अंदर अपने बड़े करियर बड़े लेवल के ऊपर करियर के ऊपर ही वन द बैलेंडोर एक बार ही थर्ड आर ट्वाइस वर्ल्ड कप तो तुम सोच सकते हो भाई इस प्लेयर कितना इंपैक्टफुल प्लेयर था जिडेन इसके बाद अगेन इन ईयर टू थाउजेंड जिडेन अलॉन्ग विद्रांस वन दूरोस और भाई पूरी वर्ल्ड डोमिनेंस चल रही थी भाई फ्रांस के उस टाइम के ऊपर और जिडेन अगेन बैलेंडोर फेवरेट लेकिन यूसीएल के एक मैच के अंदर भाई जो एंगर इशू था ही अ प्लेयर जी मतलब सिर्फ वो फाइनल वाले एक हेडबट नहीं है जो वर्ल्ड कप फाइनल में किया गया था उससे पहले भी जिडेन ने एक प्लेयर को हेडबट किया जिसके बाद ही वो सस्पेंडेड फ्रॉम यूसीएल जिसके बाद यूएंटर्स यूसीएल से बाहर हो गई थी क्योंकि वो लोग विदाउट विदाउट जीडेन वो लोग नहीं खेल पाते तीन मैच खेले तीनों के तीनों हार गए तो दे गॉट नॉकड आउट बट बट सेकेंड आया फिर भी और पोडियम के ऊपर सिर्फ मुश्किल से दस पॉइंट का गैप था एंड इतने इतने कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद भी इट वॉज क्लियर कि अगर जिडेन ने हेडबट ना किया होता तो अपना सेकंड और जीत जाता उस साल बट ये सारा एंगर ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी इसने जिडेन को किसी भी हालत में नहीं रोका यू नो फ्रॉम प्लेइंग एट दैट टॉप लेवल क्योंकि जस्ट नेक्स्ट ईयर टू के अंदर

जिडेन को इंजरी के साथ फोर्थ मैच खेलना पड़ा था बट स्टिल वो फिर भी नहीं जीत पाए थे भाई एंड दे कूडेंट क्वालिफाई फर्दर ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए थे जिसको अब हम फीफा वर्ल्ड कप कर्स के नाम से भी जानते हैं वो कह सकते हो तुम तब, तब से ही शुरू हुआ था तब से ही फेमस है बट देन वी कम टू टू जिस साल जिडेन ने अनाउंस करा कि वह साल के एंड पे रिटायर हो जाएगा फ्रॉ इंटरनेशनल फुटबॉल कप फुटबॉल हर चीज से एंड द वर्ल्ड कप वॉज द फाइनल टूर्नामेंट ही वॉज गोइंग टू प्ले एज एज अ प्लेयर इन इज करियर प्रॉबलीज द बेस्ट वे टू रिटायर और मैं अगर तुम्हें बता रहा हूँ ना कि लिटरली ओन्ड दैट किम्पटिशन वो कॉम्पटिशन में लिटरली जिडेन से बढ़िया प्लेयर जिडेन जो मैच खेल रहा था लाइक फ्रांस जो मैच खेल रही थी जिडेन वॉज द पर्सन पुलिंग ऑल द स्ट्रेंग्स ठीक है मैं भाई जब उसकी एबिलिटीज की बात करूंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन या तुम्हें तुम लोगों को पता है इन 2006 जो फाइनल हुआ था उसके अंदर जिडेन और माटाजी का तुम लोगों को पता है कॉन्ट्रोवर्सी जिडेन ने अगेन एंगर इशूज हेडबट कर दिया उसे रेड कार्ड मिल गया जिसके बाद जिडेन वॉ सेंट ऑफ फ्रांस नहीं जीत पाई थी वर्ल्ड कप एंड जो करियर एंडिंग गोल्डन करियर एंडिंग सोच रहे थे लोग कि को मिलेगी नहीं मिल पाई एंगर इशू तीन तीन बार लाइफ में हमने देखा कि भाई ZDN को एंगर इशू की वजह से दिक्कत हुई लेकिन ये उन सबके कंपैरिजन में सबसे बड़ी थी बट अब करियर तो यहां खत्म हुआ लेकिन एबिलिटीज के अंदर मैं जिडेन को एबिलिटीज एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेशल गेम की बात करना चाहूंगा 2006 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स अगेंस्ट ब्राजील इट इज सेड कि यह जो गेम थी ना दिस वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाई एनी प्लेयर एवर इन अ वर्ल्ड कप जिडेन की परफॉर्मेंस अगेंस्ट ब्राजील की गोल्डन जनरेशन यहां पर तुम फोटोज देख रहे हो मुझे नाम लेने मैं नाम भी नहीं, नहीं ले सकता सारे प्लेयर्स के मतलब हर प्लेयर का नाम लेना पड़ेगा मुझे इतनी ग्यारह के ग्यारह बिकॉज इट वॉज प्रोबली द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम बट जिडेन लिटरली डोमिनेटेड दिस टीम अलोन अलोन और मैं इसी के मैच का के एग्जांपल लेकर तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा फॉर भाई मतलब कहा जाता था कि अगर वो पांच बंदों से भी सराउंडेड है और कोई एरियल बॉल आएगी चाहे वो बंदों से जितने मर्जी लंबे हो बॉल विल बी एट फीट क्योंकि उसकी बॉल कंट्रोल इतनी हाई थी लंबे होने के नाते बड़ी टांगे होने के नाते जब भी वो जितने भी दूर तांगे फैलाता था, था ना उसका रेडियस जो रहता था उसका फर्स्ट टच सिल्की एंड बॉल उसके कंट्रोल में रहती थी उसका रेडियस इतना बड़ा था एंड ये बॉल कंट्रोल की वजह से ही उसकी जो दूसरी एबिलिटी है दैट वाज ड्रिबलिंग अब देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जिडेन के लिए ड्रिबलिंग वॉज वाइस स्पेशल क्योंकि यार देखो तुम लोग अगर एग्जाम्पल लो ईडन हेजार्ड लियनल मेसी मोहम्मद साला ये प्लेयर्स बहुत बढ़िया ड्रिबल करते हैं क्यों क्योंकि लोगों की हाइट बहुत कम रहती है हाँ ये scientifically proved कि तो हाँ है कि अगर तुम्हारी हाइट छोटी हो तो यू आ, you know, much better dribbler हो सकते हो तुम फुटबॉल के अंदर क्योंकि तुम्हारा you know, gravity का जो पॉइंट होता होता है है वो थोड़ा नीचे तुम लोग ज़्यादा अच्छे से चेंज कर पाते हो बट जिटेन तो भाई लंबा चौड़ा लठ आदमी था कतई उसको वो कैसे ड्रिबलिंग करेगा है ना भाई बॉल कंट्रोल का बॉल कंट्रोल इतना बढ़िया था कि नीड अ स्मॉल हाइट टू ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स वो ही वॉज कंप्लीटली स्किलफुल और बॉल उसके पैर पर चिपक जाती थी ही यूज टू मूव द बॉल लाइक ही वॉन्ट्स टू एंड इन सब एबिलिटीज को लाइक मैं बढ़ा चढ़ा के बता सकता हूँ बट जिस एक एबिलिटी की मुझे बात करनी है दैट इज टू कंट्रोल द पेस ऑफ द मैच दिस वॉज नो जोक जीडेन जिस लेवल पर यह करता था दैट वज नो जोक अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा तो आज के टाइम पे टोनी क्रूज और केविन डिब्रॉइन ये ऐसे दो प्लेयर्स है जो मैचेस की पेस कंट्रोल करते हैं और ये छोटे लेवल पे करते हैं इन कंपैरिजन टू जीडेन ये अपनी टीम का पेस कंट्रोल करते हैं ठीक है इट इज लाइक टोनी क्रूज जिस पेस से पासिंग करेगा जिस पेस से खुद वो बॉल पोजिशन रखेगा उसकी टीम उस हिसाब से खेलती है दी ही इज सेट मतलब तो समझ लो ना बेसिकली एंड सेम इज फॉर केविन डिब्रॉइन बट जीनेड इन जिडेन ये सिर्फ खुद की टीम के लिए नहीं करता था ही यूज टू इवन डू दिस फॉर द अपोजिशन ओपोजिशन के गेम तक जिडेन कंट्रोल में कर लेता था बिकॉज ऑफ इट पोजिशनिंग क्योंकि वो ही यूज टू प्ले इन द सेंटर और बाकी टीम उसको देख के फार्मुलेट होती थी उसको देख के अपनी पोजिशन रखती थी तो ही यूज टू पोजिशन इन सर इन सच वे कि प्लेयर्स की बाकी टीम्स को अपना गेम वाइड खोलना पड़ता था बाहर जाना पड़ता था गेम स्लो करनी पड़ती थी एंड जब जिडेन के पास बॉल होती थी तो भाई ही यूज टू डोमिनेट द मिडफील्ड एज हेल अगर तुम वहां पे एक चार मिडफील्ड के बीच में जिडेन को छोड़ दोगे देर इज नो चांस कि वो चार मिडफीन को डोमिनेट करेंगे जिडेन को पसंद था एक क्राउडेड मिडफील्ड के अंदर खेलना क्योंकि तब पूरी की पूरी ओपोजिशन टीम मिडफील्ड की तरफ ऐसे एकदम क्रम्बल करती थी यू यूनिट टू स्टॉप जीडेन एंड देन वो वहां से निकल के वाइड बॉल डालता है लॉन्ग बॉल डालता है इन शॉर्ट कंट्रोलिंग द गेम लाइक इट इज मक्खन एंड ही डिड द सेम वर्सेज ब्राज़ील इन दै क्वार्टर फाइनल लेकिन ये सिर्फ क्वार्टर फाइनल की बात नहीं है ही यू टू डू दिस इन हिज एंटायर लाइफ जिडेन का विजन वॉज एक्सट्रीमली गुड क्योंकि जैसा मैंने बोला कि वो मिड फील्डर्स को ड्रिबल करके लॉन्ग बॉल्स डालता था थ्रू बॉल्स डालता था पिन पॉइंट थ्रू बॉल्स पिन पॉइंट थ्रू बॉल्स मतलब इट जितनी तारीफ करूँ मैं कम है बट भाई मैं तुम लोगों को ये बोलूँगा अगर तुमने अभी तक वह ब्राज़ील वर्सेज यू you नो know, फ्रांस वाला मैच अगर अभी तक उसकी हाईलाइट देखे गो एंड वॉच यू नो जिडेंस परफॉर्मेंस वर्सेज ब्राज़ील आई एम टेलिंग यू यू तुम शायद मिड फील्डर की ऐसी परफॉर्मेंस देखोगे इन एनी गेम एवर अगर एंगर जिडेन के थोड़े कंट्रोल में रहते तो प्रॉबेबली वो दो बैलेंड और, और एक वर्ल्ड कप यानी ये इतने ये बड़े बड़ी चीजें वो और जीतता अपने करियर में एक स्टडेड करियर के अंदर वो ये चीजें और जीतता एंड प्रोबेबलीन वी वुड भी काउंटिंग हिम अबंगस ऑफ पेले मैराडोना बट स्टिल इट इज सेट कि ही इज अमंगस द टॉप फाइव फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड टाइम जिसके अंदर हां भाई मेसी रोनाल्डो यह सब नाम आते हैं उसके साथ जिडैन का नाम लिया जाना चाहिए इट इज सेट एट अ लॉट ऑफ टाइम्स बट इन देंड इट ऑल कम्स डाउन कि तुम लोगों को क्या पसंद है लाइक अ मिडफील्डर लाइक हेम आई डोंट थिंक कि अभी इस टाइम पे इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिट करता है तो आई कैन आई कैन इवन टेल यू की ठीक है तुम इसकी गेम देखो जिडैन इसकी तरह खेला करता था नो no. वॉज डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन एल्स एंड बस वीडियो खत्म करने से पहले यह बोलना चाहूंगा कि ही वॉज सेट टू बी द रोल्स रॉयस ऑफ फुटबॉलर्स अपने टाइम पे सो यू कैन मतलब ये तारीफ तो मेरे हिसाब से पूरा जस्टिफाई करती है कि किस लेवल का प्लेयर था वो बस इसी के साथ वी फिनिश द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाउ गुड वॉज इड एन डो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अगर तुम लोगों को ये वीडियोज पसंद आई अगली वीडियो में किसके बताऊँ यह भी कॉमेंट सेक्शन में बताना एंड आई होप कि तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आए हम लोग बहुत जल्दी और प्लेयर्स और टीम्स इन सबको भी कवर करेंगे मैं बहुत जल्दी दूसरा एपिसोड भी निकालूंगा सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अनटिल देन पीस आउट स्टे सेफ चक दे फट्टे एंड टेक केयर